ऐसा क्या हुआ कि एक्सपर्ट कैचर की गलती की वजह से पांच कैचर कहीं और जाने लगा? क्या हुआ कि मैं रोड पर इतने सारे सब्सक्राइबर मिल गए और उन सब ने हमें घेर लिया? क्या सच में चटनी ने अदरक जीव को पकड़ लिया था? आज सुबह जब हम बर्ड हाउस के बाहर गए तो हमें दूर से कोई जीव दिखा जो कि धूप सेक रहा था। जैसे हम उसके पास भाग कर गए वो तो झाड़ियों के रास्ते भाग गया, और इसलिए आज हम कैचर को छोड़कर किसी एक्सपर्ट कैचर के पास जा रहे हैं जो कि जीव को ही पकड़ने का काम करता है। जब हम उस कैचर एक्सपर्ट की लोकेशन में पहुंचे तो रोड पर हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए जिन्होंने हमें घेर लिया था, और सबको ये जानना था कि अदरस जीव कौन है। और उसके थोड़ी देर बाद वहां पर एक्सपर्ट कैचर आया जिसको हमने सारी घटना बताई। तो इस बंदे ने कहा कि हमारे पास एक बाज कैचर है जो तुम्हारे बर्ड हाउस को उस अदरस जीव से बचाएगा। इसकी तेज पंजे और पैनी चोंच उस जीव को पकड़कर मार देगा, और इतने दिन से तुम्हारे बर्ड हाउस में जो भी हो रहा था वो सबका अंत हो जाएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का था कहीं ये बाज मेरे बर्ड हाउस में बर्ड्स को ही ना मार दे। फिर उस बंदे ने बताया कि बाज कैचर पूरी तरह ट्रेंड है जो कि इस तरीके जीव को पकड़ने का काम करता है।